हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, रेडमी गो जो कि एंड्रॉयड गो के साथ आने वाला है, जाओमी का ऑफिशियल अपडेट उसके बारे में आ चुका है। उसका ऑफिशियल प्राइस और स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो आज हम इसी के बारे में अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक न्यूज़ मैं हर दिन लाते रहता हूँ। और बगल में नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, डायरेक्टली सर्च करिए टेक कुमार प्ले, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, रेडमी गो जो कि Xiaomi का पहला एंड्रॉयड गो एडिशन वाला स्मार्टफोन होने वाला है, ऑफिशियली उसका स्पेसिफिकेशंस रिलीज़ कर दिया गया है। और इंडिया में अभी तक नहीं आया है, ये यूरोप में भी लॉन्च किया गया है। यूरोप में इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको रखा गया है 80 यूरोज़, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से होता है ₹6,500। और इसके बारे में अभी तक Xiaomi ने कंफर्म नहीं किया है कि वो कब लॉन्च करने वाले हैं इसको इंडिया में, लेकिन आज हम इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि Xiaomi ने ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, इसमें 5 इंच का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, HD डिस्प्ले 720p के साथ, और आपको Qualcomm Snapdragon क्वाड कोर प्रोसेसर, इसमें आपको क्लॉक स्पीड आपको मिलेगा 1.4 GHz की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और आपको Snapdragon 425 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि बहुत ही फास्ट है। और आगे हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, और रियर वाले कैमरा में आपको फ्लैश दिया गया है। रेडमी गो में आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा। और रैम और स्टोरेज के बारे में अभी तक डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है कि रेडमी गो में आपको 1 GB का रैम दिया जाएगा और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। और इसमें एंड्रॉयड 8.1 हो सकता है। एंड्रॉयड गो फोन्स में आपको बहुत सारी ऐप्स दी जाएंगी, जैसे कि जीमेल गो, असिस्टेंट गो, गूगल मैप्स गो, और भी बहुत सारी जितनी भी गूगल की ऐप्स हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगी। और Redmi Go आपको 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, ब्लैक और ब्लू में। और इसके बारे में कंपनी ने ये भी कहा है कि इसमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट दिया गया है, जो कि आपको एक्सपेंडेबल है 128 GB तक। और इसमें ब्लूटूथ 4.0 दिया गया है, माइक्रो USB सपोर्ट 2.0 पोर्ट दिया गया है आपको। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है, और हो सकता है इंडिया में जियो फ़ोन 1 और जियो फ़ोन 2 को टक्कर दे, तो इसका प्राइस और इंडिया में रिलीज़ करने से पहले घटाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।